हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा के परीक्षार्थी और आप लोग का एग्जामिनेशन है फिजिक्स का, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर एक स्टार्ट है। चार डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से वन विक्षेपण क्षमता का सही समीकरण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यदि कांच का एक लेंस μ 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए और पानी में μ 4/3 में एफ डब्ल्यू हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा में के लिए सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश का सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। अगला आएगा, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्य फलन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, φ = 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, a-z। आगे की ओर हम लोग देखें, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि तरंग। अगला है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो अराउंड 48.75 डिग्री। अगला है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो hv। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो अगला आता है यहाँ पे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता h बराबर किसके होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, तो अगला आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, तो अगला आएगा, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? तो ये होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, अगला है, धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NI vector a। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो शक्ति गुणांक के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो LR परिपथ में कालांतर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, VS/VP। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि m0 l0 t। ध्रुव के प्रावल्य का ऐसे मात्र क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर मीटर। अगला हम लोग देखेंगे, तो एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, m = 1+d/f। अगला है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है, यदि μg = 3/2 और μω = 4/3, तो तब ωμg क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 9/8। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो कांच के क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो लगभग 42 डिग्री। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, आगे की ओर अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? तो ये एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल आता है यहाँ पे, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, तो अगला यहाँ पर आएगा, अगला सवाल है, एक समान चुंबक के क्षेत्र में दोलन चुंबक का आवर्तकाल का व्यंजक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अगला आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र BH और चुंबक के सुई की आवृत्ति पर और निर्भर करेगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, n² उसके बाद है समानुपाती BH के। अगला है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम का पालन के लिए सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होते हैं? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि μ0 / μ μr। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे, जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए सही है?
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।